सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मोदी जी ने तो जुल्म सितम की सारी हदें पार कर गया, रहबर बनाया था उसको, राजनी का काम कर गया, वो काम हो गया। तो जो ये योगी जी कह रहे बटेंगे कटेंगे, इसका भी बटेगा, मतलब मैं बता देता हूँ, बटेंगे ना कटेंगे, पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे और साथ चलेंगे। हमारे तो नारा ये, यहाँ भाजपा सरकार ने ये काम कर रखा, हिंदू मुस्लिम ना पढ़ाई हो रही है, स्कूलों में डकैती पड़ रही है, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, और जहाँ भी जाएंगे पुलिस पकड़ डंडा चल जाओ, जो बेकसूर वो जेल में जा रहे हैं, जो गुंडे हैं वो गुंडागर्दी करने दबा कर। तो बीजेपी की पॉलिसी है एक डर फैलाने की, एक भेदभाव करने की, हमें आपस में हिंदू मुसलमान में बांटने की, वरना यहाँ पर हम एक है। अभी हमारे यहाँ जाट किसान तो कह रहे कि नलका ही नलका चलेगा, नलका में पानी नहीं रहा, अब इब्जा तो नया चेहरा और नई पार्टी को ढूंढ रहे लोग, पुराने तो सब देख रखे। सरकार बढ़िया, सारी चीज बढ़िया, पर जो जो महंगाई कर रखी ना इन्होंने, यो है जब जब बड़ा जुलम, परिवार की पूर्ति नहीं हो पाती, पैसा हो जाएगी परिवार की पूर्ति, जब 300-400 रुपए कमा रहे, 325 रुपए का 35 रुपए का कट्टा आटा का, बताइए कैसे पूर्ति हो जाएगी। महंगाई बहुत है भैया, काम नहीं चलता काम, भैया 300 रुपए कमाए, खर्चा 500 रुपए, दवाई बीमारी शिमारी 5 किलो राशन में क्या हो, कुछ भी नहीं होता। सीसे में आपका स्वागत है, हम उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पर है, जहां आने वाले समय में 20 नवंबर को यहाँ मतदान होना है, इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। हम अगर प्रत्याशियों की बात करें तो भाजपा और आरएलडी के गठबंधन से यहाँ से मिथिलेश पाल जी चुनाव लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस के गठबंधन से सुम्बुल राणा जी चुनावी मैदान में हैं, और भी कई सारी पार्टियां हैं आसपास से, जाहिद हुसैन और बसपा से शाह नजर जी यहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम यहाँ मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के थाना अड्डा है ये, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, और यहाँ के आसपास के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस उपचुनाव में क्या लोगों की राय बन रही है, क्या लोग सोच रहे हैं, कौन इस सिंहासन पर काबिज होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। यूपी में सर्दियाँ आ चुकी है लेकिन चुनावी गर्मी बढ़ रही है लगातार। हम लोग यहाँ बस स्टैंड पर हैं, अड्डे पर, थाना अड्डे पर, हम बातचीत करेंगे लोगों से। राव जी नमस्कार, यहीं के हो जी, मीरापुर के ही, कहाँ के? अच्छा, तो चुनाव है आपके यहाँ, क्या देख रहे हैं, क्या बन रहा माहौल? हमारा मोहन तो भाई वहीं जाएंगे, कहाँ? अच्छा, फूल पे? अच्छा, सारी वहीं देखते हैं। अच्छा, पहले से उधर ही दे रहे, काम बढ़िया लगे भाजपा का? ठीक है, बढ़िया लग रहा, चांसेस हो रहे। अच्छा, कानून व्यवस्था अच्छी है, और कई सारे जैसे लोग कह रहे महंगाई होगी, ये हो गया, पब्लिक कह रहे पब्लिक इतनी बढ़ रही, महंगाई तो होगी जब पब्लिक बढ़ रही, अब हम कर लेते, अब हमें चक्के हो रहे 21-22 होंगे, महंगाई तो होगी नहीं भाई, महंगाई नहीं होनी थी, महंगाई तो होगी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि भाई रोजगार, लड़कों को नौकरी नहीं मिल रही, सब कुछ मिल जाएगी क्या? सब कुछ मिल जाएगी, बताओ मैं, सब मिल जाएगा। तो भर्ती वर्ती क्या है भाई, नौकरी लीक हो गए पेपर, भर्ती नहीं आ रही, जो लड़के तैयारी कर रहे हैं गाँव में जाएंगे भाई की नसीब में। कुछ गए आपके गांव से? हाँ, हमारे यहाँ से जाएंगे। अच्छा, कौन सा गांव पड़ा है आपका? बनीपुरा है, बनीपुरा। अच्छा, बनीपुरा। अच्छा, तो आप फूल पे जा रहे हैं? जहाँ बैठे और भी तो लड़ रहे, उन्हें नहीं देख रहे इस बार? सब देख रहे, अपनी मर्जी भाई, आप अपनी मर्जी है। चलो, लेकिन ज़्यादातर माहौल आप कह रहे कि फूल का है? माँ को भैया पहले से ही हम झूठ के बोल रहे भाई, हम हम 10 साल की उम्र आ गई, वोट गया नंबर है ना, हम कहीं नहीं गए। अच्छा, तो काफ़ी चुनाव देख लिए होंगे? हाँ, 6 साल की उम्र आ ली, हम कहीं नहीं गए। और तो आज लोग क्या लगा, सरकार कैसी रही? बढ़िया, हाँ देखो, बढ़िया ही है, बढ़िया है, आराम से सो रहे, आराम से जंगल भाग जा रहे, लोन जा रही है, कहीं फिर जाओ। अच्छा, पहले नहीं था ऐसा? नहीं, पहले कहाँ था, देख रहे हमारे गाँव में पीट लेते, हाँ अखिलेश कृष्णा में पीट लेते, हमारे गौरव में पीट लेते, दिन छिपे ही, और बाद दिन रस्ता चल रहा, कोई अब माहौल बदल गया, कोई पानी चला देते, अपने पानी चला देते, पानी वाले पानी चला देते, अब किसी टाइम चले जाओ, आप किसी टाइम चले जाओ, वहाँ तो बढ़िया सरकार है भाई, ये फायदा हुआ, नहीं फायदा, आराम से सो रहे, नंग डोर कहीं बंदे रहो। हाँ, चलिए ठीक है, तो भाई से भी बातचीत करेंगे, भाई बात हो जाएगी 2 मिनट है।
तो आज इधर भी लोग है। राव जी नमस्कार, मीरापुर के ही हो यहीं के ही? अच्छा, गांव लगता होगा विधानसभा में या अलग है? इसी में लगा है। अच्छा, बैठ लो, आ जाओ दो मिनट, चुनाव के बारे में बातचीत कर रहे हैं ऐसे ही। अच्छा, क्या नाम है आपका? इरशाद। अच्छा इरशाद भाई, कैसा चल रहा काम, रिक्शा कब से चल रहा है? ठीक चल रहा है, हो जा कुछ खर्चा पानी निकल रहा है? निकल जाए खर्चा पानी, कह रहे महंगाई होगी भाई। महंगाई तो है ही, काम धंधे नहीं है, काम धंधे नहीं है। सरकार तो कह रही है हम बहुत कुछ कर रहे, राशन दे रहे, रोजगार दे रहे। राशन तो फ्री का मिल रहा भाई, राशन तो राशन तो और भी दे देंगे। लोग कह रहे हैं भाई हमने बहुत कुछ कर दिया। हाँ जी, ये देख लो सड़क, सड़क देखो कितनी बढ़िया है यहाँ की। पानी भरा है सारे वो मीरापुर में, आज लोग निकाल नहीं है, रास्ते बढ़िया नहीं है। अच्छा, और भी दिक्कत, और भी कई सारी चीजें। सरकार बढ़िया, सारी चीज बढ़िया, पर जो जो महंगाई कर रखी ना इन्होंने, यो है जब जब बड़ा जुलम। परिवार की पूर्ति नहीं हो पाती, पैसा हो जाएगी परिवार की पूर्ति जब 300-400 रुपए कमा रहे, 325 रुपए का 35 रुपए का कट्टा आटा का, बताइए कैसे पूर्ति हो जाएगी? सब्जी बनाने लगे 200-250 की सब्जी, हंडिया बैठे तो 2 रुपए कैसे बचा का मजदूर आदमी किसानों को भर रहा, और उनके तो आठ है जमीन जायदाद है, बताओ तुम ईमानदारी सर। और जो गरीब है जो मजदूरी कर रहा है वो क्या खागा? तो मजदूरी नहीं बढ़ी, मैंने बात कही हो, एक बात कह रहा मैं, एक बात दिक्कत है, दिक्कत तो है ही जी, सारी दिक्कत है। पर मीरापुर में किसे जिता रहे इस बार? है किसे जिता रहे? वो तो जीतेगा, जो जीतेगा जीतेगा, इशारा सा तो बताओ थोड़ा। इशारा नहीं हुआ करता, जो जिसमें दिल में आए उसे। राव जी राम राम। बड़े मियाँ सुन लो, कौन से गाँव के? हम तो खड़ा होते थे। अच्छा, मीरापुर में ही लगे ना? अच्छा चलो, आप तो बाहर गए भाई, क्या कह रहे थे? हम भाई क्या लग रहा सरकार का काम कैसा लग रहा, चुनाव आ रहे जैसे? काम तो बढ़िया है सारे, महंगाई बहुत है भैया, काम नहीं चलता है काम। भैया 300 रुपए कमाए, खर्चा 500 रुपए, दवाई बीमारी शिमारी, 5 किलो राशन में क्या हो, कुछ भी नहीं होता। ये तो कह रहे हम घर घर राशन दे रहे, 5 किलो तो राशन दे रहे घर घर, वो भी लेना जाना पड़ेगा कोर्ट पे, जब मिलेगा घर कौन पूछा? उसमें भी दिक्कत आवे लेने में भी? नहीं लेने में दिक्कत नहीं आती भाई, यो कहने लगो बेकार, लेने में दिक्कत नहीं है, मगर 5 किलो राशन दे रहे बहुत ज्यादा दे रहे, कम से कम 25 किलो राशन हो एक आदमी का, एक आदमी का 5 है घर में, जहाँ मेंबर हो गए फिर उसी के हिसाब से तो मिलता होगा। 5 ही किलो तो मिल रहा है एक मेंबर को, और हर 10 किलो तो वो कहाँ जाएगा, घास खाएगा क्या एक महीना? और बाकी जो खर्चे हो नमक तेल, वो भी है। हाँ जी, रोजगार है ऐसे काम धंधे कुछ? वे खत्म है भाई। तो आसपास यहाँ फैक्ट्री कुछ इस तरह की? कुछ नहीं है, फैक्ट्री कोई नहीं है यहाँ। जो कह रहे थे भाई हम 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, बेचारे घास चूरे ये नौकरी कर रहे, जो पढ़े लिखे हैं वे भी नहीं घूम रहे। हाँ जी देख लो बेचारे यार, पढ़े लिखे भी घूम रहे। अच्छा चलो, नमस्कार जी, बात हो जाएगी जी थोड़ी सी, मीरापुर से ही हो आप? अच्छा, क्या नाम जी भाव जी? मेरा नाम राजवीर सिंह। अच्छा राजवीर, गांव आप कौन से गांव के भी? मैं इस देहात का क्या नाम, अच्छा, मैं मेहमान हूँ। अच्छा, और मैं यहाँ काम करता हूँ। अच्छा, विधानसभा में गांव लगता हूँ। हाँ जी। अच्छा, क्या देख रहे हैं चुनावी माहौल? पार्टियाँ तो सारी आ रही हैं, लेकिन यह है कि मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे पार्टियाँ लड़ रही ना, जो केतली किसकी है पता नहीं, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी। चंद्रशेखर कौन? ये भीम आर्मी वाले। अच्छा भीम आर्मी वाले, क्योंकि मैं राजनीति से कोई मतलब नहीं रखता मैं, क्योंकि यहाँ जहाँ जा रहे हैं ना भट्टे सट्टे काम करते हैं, हमारा काम घूमने का है, वहाँ केतली करें, क्योंकि हर जगह जा रहे हैं यही मामला चल रहा है कि केतली, कुछ मुसलमानों में जा रहे हैं, सैनी समाज में भी जा रहे हैं, कह रहे बट रहे मुस्लिम यहाँ और दलित बट रहे, ये कह रहे इनकी एक रणनीति हो गई, इनकी एक रणनीति हो गई कि केतली पे जा रहे भाई जी, हमने सुना है, कह रहे थोड़ा सा कि भाई थोड़ा सा बट रहे लोग भाई, ना ना ऐसा कुछ नहीं। अच्छा हाँ, केतली के ऊपर वोट पड़ रहा है सबसे ज्यादा। मैं बताऊँ आपको, लोगों में चर्चाएं चल रही हैं कि मुस्लिम समाज के काफी सारे कार्यकर्ता खड़े हैं, जो चार प्रत्याशी वो चाह रहे हैं, जो बंदा बढ़िया काम करेगा, नया चेहरा बता रहे हैं सब, हम तो सूचना लेते हैं लोगों की, क्योंकि जाहिद हसन ये नया चेहरा दिखा है, और वो सारी मुसलमानों की ये मीटिंग हो रही है जहाँ तहाँ भी मिल रही है कि यहाँ केतली लगभग जिता रहे हैं, और बाकी जो है मिथिलेश पाल है, सुम्बुल राणा जी है, इनका भी लगा है कुछ आपको? टक्कर तो भाजपा की लग रही है इसकी, टक्कर केतली की और भाजपा की लग रही है।
सीधा ही नहीं दोनों बस 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 जितने भी हमें नॉलेज है बाकी तो ऊपर वाला जाना। अच्छा क्या लगे जी काम वाम? 60,000 वोट तो जाहिद हसन का अपना है। अच्छा खुद का सीट जीत रहा 60,000 उसका अपना वोट है जोजो का तो मतलब सीट जीत रहा है। अभी हमारे यहाँ जाट किसान तो कह रहे कि नलका ही नलका चलेगा, नलका नलका में पानी नहीं रहा। अब इब्जा तो नया चेहरा और नई पार्टी को ढूंढ रहे लोग, पुराने तो सब देख रखे तो पुराने सब देख रखे तो इनका क्या देखना, देख के रखोगा तो अब तो न्याय देख रहे सब लोग। दलित मुस्लिम भाईचारा एक तरह से समीकरण बन पा, यही बिल्कुल यही चाह रहे कि पूरा समीकरण सब नया बना के लावा सब जनता, जो पुराणों से तो त्रस्त हो लिए लोग। जो ये योगी जी कह रहे बटेंगे कटेंगे इसका भी बटेगा, मतलब मैं बता देता हूँ, बटेंगे ना कटेंगे, पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे और साथ चलेंगे। हमारा तो नारा ही है, यहाँ भाजपा सरकार ने ये काम कर रखा हिंदू मुस्लिम ना पढ़ाई हो रही है, स्कूलों में डकैती पड़ रही है, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है और जहाँ भी जाएंगे पुलिस पकड़ डंडा चले जाओ, जो बेकसूर वो जेल में जा रहे हैं, जो बेकसूर जेल में जा रहे हैं, जो गुंडे हैं वो गुंडागर्दी करने दबा कर। तो कह रहे हमने रोड बना दिया, हम कौन सा रोड बनाए बता दो, हाईवे बन गए हाईवे, तो मेरी बात सुन लो। उत्तर प्रदेश के अंदर ये कहते थे जनाब हमारे अमित शाह जी, रात में स्कूटी पे महिला जाएगी तो कुछ नहीं होगा, डकैती हो रहा है। अरे गुंडा राज खत्म कर दिया, गुंडे खत्म कर, हाँ गुंडा राज खत्म हो गया, अब तो और बढ़ गया गुंडा राज, समझे जहाँ बलात्कार दुनिया भर के लोंडे को छेड़छाड़ दुनिया भर के करे हमने खत्म कर दिया, कहीं भी थानों में FIR तक नहीं हो रही उनकी, कभी चर्चा में आ जाए सरकार। क्या लगा भाई देश की चर्चा भैया, पर बदलाव सारे ही और बदलाव इस बार हो जाएगा कुछ। कौन सा चेहरा देख रहे फिर ऐसा बदलाव? चंद्रशेखर ही आया है जो सर समाज के हित में बात कर रहे हैं और सबकी आवाज हक की आवाज उठा रहे हैं, पूरी यूपी के अंदर, पूरी यूपी के अंदर चंद्रशेखर भैया बदलाव कर देंगे। मैं मुस्लिम हूं, आपका क्या नाम है भाई? विशाल। विशाल भाई आप बताओ, आप खतरे में यहाँ रह रहे हो? भारत में खतरे में रहेंगे, भाजपा वाले कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, आप बताओ कौन सा खतरा है? आप ज्यादा आप कम खड़े हैं मुस्लिम ज्यादा खड़े? तो फिर ये डर क्यों फैलाया जा रहा खतरे में बटे? ये तो बीजेपी की पॉलिसी है, एक डर फैलाने की, एक भेदभाव करने की, हमें आपस में हिंदू मुसलमान में बांटने की, वरना यहाँ पर हम एक है। बताओ कहाँ कौन ब्याह शादियों में आपकी हमारी में नहीं जाता? केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, स्टेट में भी, फिर भी ऐसे नारे आ रहे कि बटेंगे कटेंगे, डर किस बात का? तो हम लोगों के उन लोगों ने भेदभाव की बात कर रखी, हमारे लोगों का जो मैटर है, हम लोगों को तो हम और आप सब इंसान हैं, इंसानियत का रिश्ता लंबा होता होता है नहीं होता। और एक कटने की बात करें तो बताओ कहाँ हम लोगों में कहाँ बिगाड़ है? आपके यहाँ ब्याह शादी होती हम लोग जाते, हमारे यहाँ होती आप लोग आते, हिंदू समाज के एक दूसरे के साथ चलते हम, तो कट कहाँ है? देश की जनता तो परिवर्तन चाह रही है, परिवर्तन चाह रही बहुत हो गया। तो नया चेहरा आप देख रहे हैं? हाँ एक याद हो रहा था शेर मोदी जी ने तो कि जुल्मो सितम की सारी हदें पार कर गया, रहबर बनाया था उसको, राजनी का काम कर गया, वो काम हो गया तो यूपी में। तो यहाँ की मीरापुर का भी कुछ विकास हुआ आपकी नज़र में? स्कूल, सड़कें, अस्पताल, ये सब चीज़ें ऐसी हुई? ये तो उपचुनाव है भैया जी, मैं अपने आइडिया बता रहा हूँ, मैं पूरे क्षेत्र में घूमता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इकलब्धी बनेगी, अब इकलब्धी जो नारा देने वाली सरकार थी ना, बटेंगे तो कटेंगे, अब के इन्हें क्या काम करेंगे ना, पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे और साथ चलेंगे, क्योंकि ये भाजपा की सरकार की पॉलिसी जो है ना, अब सब समझ गए, जनता को चाहिए नाज, स्कूल, हॉस्पिटल, इनमें क्या मिला? ये तो कह रहे हम 80 लाख लोगों को राशन दे रहे, राशन ना राशन तो मेरी बात सुनो, इन्होंने क्या काम कर रखा है, अडानी का अंबानी का, इनका तो कोटा फुल हो रहा, आज गांव गांव जाके अगर सर्वे किया जाए तो गरीब से गरीब इतने पागल हो गए लोग, इतने पागल हो गए भाजपा को तो उखाड़ कर फेंक दे, अगर ये EVM ना हो ना EVM, क्योंकि सत्ता इनकी है, ये जबरदस्ती राज कर रहे हैं, एक दिन आतंक ही आएगा, ये खुद ही चले जाएंगे अपना। आपने बहुत परेशान था कि विकास की बात, विकास आप लोगों के सामने कैमरा घुमाओ, टॉयलेट खाली पड़ी, बंद पड़ी, ताला लग गया, इसमें लॉक लगने से क्या मतलब, कहीं का विकास? और मीरापुर का अच्छा शहर, बढ़िया जगह, एक जो है कस्बा कहलाया जाता है ये, और इसमें बीच रोड में रास्ते देख लो गड्ढा। पहले विधायक थे यहाँ चंदन सिंह चौहान, अब सांसद हो गए, उन्होंने भी काम किया कुछ लोग दल के, भाई हमें तो कहीं चमक नहीं रहा, काम किया होता तो चमकता, ये लोग खड़े सब लोग, हम खड़े किसी से भी बात करो,
विकास अगर होता है तो दिखता है, दिखता नहीं दिखता। अब विकास ये टॉयलेट में हुआ, वहाँ टॉयलेट में लोग लगा पड़ा तो ये दिख रहा है, कैमरा करके दिखा दो, जनता देखेगी, देश देखेगा। इससे कुछ हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ यहाँ। यहाँ तो देश की जनता परिवर्तन चाह रही, बस ये चाह रहा है कि परिवर्तन करे। और क्या, 2027 में ऊपर वाले ने चाहा, आप हम सब लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने ये ठाना है कि चंद्रशेखर जी मुख्यमंत्री बनेंगे। धन्यवाद। क्या कह रहे चाचा जी? हम कह रहे हैं हम चंद्रशेखर को वोट देंगे। क्या नाम आपका? सुनील। अच्छा, ऐसा क्यों? और भी तो है, मोदी जी भी है, योगी जी भी हो, कोई भी हो, ऐसा क्या दिख गया चंद्रशेखर में? चंद्रशेखर रात को बुलावे, आधी रात को आ जाओ, काम करते हैं लोगों का, लोगों का काम करते हैं। हम मायावती भूल गए, और ताकि उनके भैया से हमारी रिश्तेदारी है, बस भैया जी को पकड़ लिया। तो बटेगा नहीं वोट, बसपा भी है, आसपा भी है। नहीं नहीं, चंद्रशेखर को देंगे। यूपी में और उनके कह रहे मुस्लिम भी बट रहा है यहाँ। हाँ, मुस्लिम भी उसे देगा, सारे भाई मारे मुस्लिम भाई सारे खड़े, ये खड़े देखो। लेकिन ये तो कह रहे भाई सब एक हो जाओ, योगी जी नारा भी दे रहे। देखो नहीं, मुस्लिम और जाट अब सब एक हो गए हैं, सब वोट पूरे भैया जी के साथ है, सर है पूरी यूपी के, और भैया जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे हमारी ऊपर वाले से, और ये दोनों सब एक साथ हो चुके हैं, समीकरण बना। हाँ, बुरखा और खुरपा, जो बहन जी ने कभी एक बार पहले कहा था, जब भी बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी। क्या नाम भाई? मैं बहुत देर से बात करने को, आपसे ही, आपसे ही। अच्छा, कोई बात नहीं, क्या हो गया, क्या करो करो नु बताओ, क्या काम करो करो भाई? कोई नहीं, कोई। अच्छा, क्या काम करो? फर्नीचर का काम करता हूं, फर्नीचर का। अच्छा, क्या नाम आपका? सादा। अच्छा सादा भाई, जैसे फर्नीचर का काम कर रहे, कुछ आमदनी बढ़ी पिछले सालों से या नहीं? जो के तो ही है। तो सरकार से कोई फायदा? हमें कोई फायदा नहीं हुआ तक, हमें कोई चीज ही नहीं मिली सरकार से भाई। कि देखो तो पेंशन मिल जाए, कि देखो कुछ मिल जाए, हमें कुछ नहीं मिला ना, हमें कोई फायदा हुआ भाई? ये तो सबकी मर्जी, कोई वोट देवे हमारे जितना जी करेगा हमसे देवेगा, जितने का भी वही वोट की देते, जितने का भी दूसरा ही आदमी। आपको लगे सरकार काम सही कर रही पब्लिक? भाई यहाँ से तो कोई काम सही नहीं कर रही, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा गाँव चुड़ियाला है, चुड़ियाला के रहने वाले हैं जी। तो गाँव में कोई विकास है? हमारे गाँव में कोई विकास नहीं, जैसा था वैसे ही आज भी है, अब से 23 साल पहले भी आता इधर, अब भी आता है। तो क्या समीकरण देख रहे हैं, क्या बनेगा भाई? हर तो कह रहे कि भाई साथ आ रहे हैं मुस्लिम भी और, हाँ तो मुस्लिम साथ है, दलित भी साथ है, तो किस किसे बना रहे फिर? अब कह रावण आवेगा। अच्छा, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आता शायद है, 50,000 वोट जीते भाई। गड्ढों में सड़कें नहीं है यहाँ, जो है गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं, उल्टा हो रहा है यहाँ, सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें उल्टा है भैया जी। आपके बदल देंगे, गरीब लोगों के साथ है भैया जी, और भैया जी के साथ गरीब जनता पूरी जुड़ी हुई है, हर बिरादरी की, हर कास्ट की। क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा कुमार है। अच्छा कृष्ण कुमार जी, और मैं और भाई चंद्रशेखर जी के साथ हूँ। अच्छा। और मैं दलित समाज से आता हूँ, और मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज की बात जिस तरह से आज देख रहे हैं आप, सभी के साथ उत्पीड़न हो रहा है, और विकास के नाम पे मात्र ये समझो आप कागजों पे काम हुआ हुआ है, और जिस तरह से माहौल चल रहा है युवाओं को बेरोजगारी को लेकर के आप देख लें, और रही बात राशन की, खाली राशन राशन से क्या हो रहा है? अब बीमारी इतनी है लोगों के पास, उनका इलाज नहीं मिल रहा, तो माननीय समाज को किस ओर जाना है और किस ओर ये लेके जाना है काम कर रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है, समय को देखते हुए, माहौल को देखते हुए, हमने बहुत टाइम दिया सरकार को, लेकिन सरकार जो उम्मीद थी समाज को, जो देश को उम्मीद थी इनसे, उस पर खरे नहीं उतर पाए। अब परिवर्तन की ज़रूरत हो, तो मेरा निवेदन है सभी से कि सब साथ आएँ, और भाई चंद्रशेखर जी के साथ आएँ, और दलित और मुस्लिम समाज बढ़ चढ़ के केतली को वोट दे रहा है सर्व समाज, और सीट हमारी निकल रही है, तो सभी से निवेदन है अपना इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो मीरापुर विधानसभा है, इस पर सभी की नज़र है, बदलाव होगा, बदलाव होगा, होना चाहिए, परिवर्तन है, होना चाहिए। हम लोग मीरापुर विधानसभा सीट पर थे, जहाँ पर उपचुनाव होने वाला है, और ये थाना अड्डा यहाँ लगता है। कई लोगों से हमारी अलग अलग बात हुई, अलग अलग माहौल है। कुछ लोगों का कहना है कि लोग नया चेहरा तलाश कर रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं, और आज़ाद समाज पार्टी से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, लोग उनको पहली पसंद कर रहे हैं। जुड़े रहे आप सीसे से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।